जय हिंद। फ्यूचर ऑफ इंडिया और आप सभी का स्वागत है। मैं हूं हिमांशु कुमार और इस वीडियो में हम लोग MFL इंडिया लिमिटेड कंपनी को डिस्कस करने जा रहे हैं। काफ़ी छोटी और प्यारी कंपनी है, देख सकते हैं आज के दिन इसमें तकरीबन 3% के आसपास उछाल देखने को मिला है। हालांकि लंबी अवधि में देखेंगे तो स्टॉक काफ़ी नीचे आया है अपने हाई लगाने के बाद, लेकिन आने वाले समय में कमाल का अपने स्टॉक बन सकता है। तो फ्यूचर में इसमें क्या अपॉर्चुनिटी रहेगा, उसी अपॉर्चुनिटी को इस वीडियो में हम लोग तलाशने की कोशिश करेंगे, ताकि जो नए लोग हैं, यदि कोई नया व्यक्ति भी इसमें एंट्री लेना चाहता है तो उसे मौका मिल सके। MFL इंडिया का प्राइस अभी देखेंगे आज के दिन 71 पैसा चलो, और आज के दिन 3% के आसपास इसमें उछाल देखने को मिला है। इसकी पीछे वजह ये एक वजह यह भी है क्योंकि आज के दिन मार्केट में ना काफ़ी शानदार तेजी देखने को मिली है। तो मार्केट में जब तेजी आती है तो जो छोटी बड़ी कंपनियाँ होती है सबके शेयर प्राइस में तेजी देखने को मिलता है। हालांकि पिछले एक सप्ताह देखेंगे तो एक सप्ताह में कुछ रिटर्न निकाल कर नहीं दिया है। पिछले एक मंथ में देखेंगे तो पिछले एक मंथ से इस कंपनी का प्राइस लगातार एक रेंज बाउंड में कर सकते घूम रहा था, कुछ खास नहीं गिर रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि 18-20 मार्च के आसपास इसमें गिरावट देखने को मिला और प्राइस थोड़ा नीचे आ गया था। हालांकि कुछ पैसों में नीचे आया था, लेकिन अब थोड़ा सा रिकवर कर, देखिए पहले कैसे यहाँ से डाउन आया और फिर यहाँ से रिकवर करने की कोशिश कर रहा है, यानी कि ऊपर जा रहा है। वहीं पर यदि पिछले 6 मंथ की बात करें तो 6 मंथ में देखेंगे तो तकरीबन 38% के आसपास स्टॉक टूट चुका है। अब देखिए MFL इंडिया जो कंपनी है बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन का काम करती है, कुछ सामानें होती है जिनको ट्रक में और बेसिकली कार्गो के द्वारा, यानी कि जो समुद्री मार्ग के द्वारा कंटेनर में सामान लाद कर बाहर भेजा जाता है, तो वो एक कंपनी ट्रांसपोर्टेशन का काम करती है। बेसिकली इसको इस कंपनी का काम है ट्रांसपोर्टेशन का। तो MFL इंडिया का जो काम है, काम तो आप समझ गए, काम देखिए फ्यूचरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से जो कार्गो से संबंधित शिपिंग करने वाली कंपनी है, ट्रांसपोर्टेशन का काम करने वाली कंपनी है, वो ठीक है। MFL इंडिया भी इस कैटेगरी में आते हैं तो फ्यूचरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनी ठीक है, लेकिन क्या टेक्निकल और जो फंडामेंटल दोनों ठीक है नहीं, इस मुद्दे को इस वीडियो में हम लोग आसान भाषा में समझ लेते हैं। अभी पहले हम लोग टेक्निकल समझ लेते हैं। 5 साल का चार्ट है, 5 साल का चार्ट पर देखेंगे कि 5 साल में कंपनी का शेयर प्राइस एकदम एक स्ट्रेट फॉरवर्ड में चल रहा था, यानी कि कोई इसमें मूवमेंट नहीं था। फिर एक समय आता है यहाँ पे, यहाँ से इस कंपनी का प्राइस मतलब मूव करना शुरू होता है, और यहाँ से देखेंगे तो प्राइस जब उठना शुरू हुआ तो उठ कर आया सीधे यहाँ पर, इसने अपना हाई बनाया 2.79 रुपये, तकरीबन मान लीजिए 3 रुपये का इसने अपना हाई बनाया। ये जनवरी 2022 का बात है, यानी कि साल 2022 में इसने अपना ऑल टाइम हाई बनाया था 3 रुपये के आसपास। लेकिन उसके बाद से देखेंगे तो फिर इस कंपनी का जो शेयर प्राइस है डाउन जाने लगा, और ऐसा नहीं कि लगता डाउन आया, बीच बीच में फिर उठा भी, और लेकिन अब एक लंबी वे में देखेंगे तो इस शेयर प्राइस कंपनी का डाउन ही आ रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं थोड़ा सा अभी इसका प्राइस उठने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पे आपको लगेगा कि प्राइस उठ रहा है, और सही सी बात है कि आज के दिन जैसे शुरू में बताया 3% की तेजी देखने को मिली, तो कहीं ना कहीं प्राइस अब उठने की कगार पर है। एक साल के चार्ट पर आप देख सकते हैं प्राइस यहाँ पर आकर 0.60 पैसा पॉइंट सपोर्ट लिया, और यहाँ से प्राइस अभी ऊपर की तरफ जा रहा है। देखिए ये वाला जो एरिया है पहले 80 पैसा इसके लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा, फिर ये वाला एरिया जो 1 रुपये इसके लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा, यानी कि पहले यदि इस कंपनी के शेयर प्राइस को ऊपर जाना है तो पहले इसको जो है 80 पैसे के ऊपर आना होगा, और उसके बाद 1 रुपये के ऊपर आके कुछ दिनों तक सस्टेन करेगा, तब प्राइस 1 रुपये से ऊपर आएगा। अभी वर्तमान के लिए यही सिनेरियो है जो टेक्निकल एनालिसिस के माध्यम से पता चल रहा है, यानी कि अभी आपको इंतजार करना होगा 80 पैसे का, 80 पैसे के ऊपर जब निकलेगा तब प्राइस 1 रुपये तक आ सकता है, वहाँ पर कुछ लोग अपना प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, जो लोग फंसे हुए निकल सकते हैं। फंडामेंटल की बात कर लेते हैं, देखिए MFL इंडिया का फंडामेंटल कुछ खास स्ट्रॉन्ग मतलब नहीं है, क्योंकि सिर्फ 25 करोड़ के आसपास की कंपनी है। मैं आपको बार बार कहता हूँ पेन स्टॉक भी यदि आप देख रहे हैं तो कम से कम 50 करोड़ से ऊपर की कंपनी होनी चाहिए, तब मज़ा आता है पेन स्टॉक में, यानी कि 50 करोड़ से ऊपर की कंपनी होनी चाहिए। यहाँ पर देखेंगे तो बुक वैल्यू सिर्फ 1 पैसा है, 1 पैसा की बुक वैल्यू में क्या होता है आप ही बताइए। करंट प्राइस बुक वैल्यू से ऊपर ये एक अच्छी बात है, लेकिन ROE का कुछ पता नहीं है। हालांकि ROC 42% का आसपास काफ़ी कमाल की बात है। स्टॉक का PE भी काफ़ी सस्ता है, यानी कि सस्ता वैल्यूएशन, हालांकि शेयर प्राइस के हिसाब से वैल्यूएशन भी ठीक है, और स्टॉक का PE मतलब 20 से कम है, काफ़ी कमाल की बात है कह सकते हैं। कहीं ना कहीं एक अपॉर्चुनिटी है इसमें आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए, लेकिन क्या अभी इसमें इन्वेस्टमेंट करना ठीक रहेगा नहीं, ये मैं टोटली आप पर छोड़ता हूँ। मैंने जो अपना पॉइंट था टेक्निकल के माध्यम से बता दिया है, और लास्ट में एक बार फिर से बता दूंगा, आप सुन लीजिएगा। अभी देखते हैं कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट जो आ रहे हैं, जिन्होंने क्वार्टरली रिजल्ट कैसे रहते हैं। देखिए ये कंपनी का क्वार्टर का रिजल्ट है, क्वार्टर रिजल्ट से पता चलता है कंपनी हर एक 3-3 माह में अपना परफॉर्मेंस कैसी कर रही है, इसका फंडामेंटल मजबूत हो रहा है या नहीं। तो यदि सेल्स की बात करें तो देखिए सेल्स दिसंबर का जो 2022 का क्वार्टर रिजल्ट है, यानी कि जो क्वार्टर 3 का रिजल्ट है, उस पर इस कंपनी ने चौंका दिया है। 2 करोड़ 15 लाख का सेल्स हुआ है दिसंबर 2022 क्वार्टर में, जो कि उसके पिछले क्वार्टर में देखेंगे कुछ सेल्स नहीं हुआ था, और उसके पिछले क्वार्टर में देखेंगे तो सिर्फ 12 लाख का सेल्स हुआ था, यानी कि कह सकते हैं जो सेल्स है वो कंपनी का जरूर बढ़ते हुए अब दिख रहा है। वहीं पर यदि प्रॉफिट की बात करें तो जो नेट प्रॉफिट होता है, यानी कि जो टैक्स वैक्स देने के बाद बचता है, उसमें देखेंगे तो नेट प्रॉफिट जो हुआ है कंपनी को दिसंबर क्वार्टर में प्रॉफिट नहीं हुआ, कंपनी लॉस में है। पिछले क्वार्टर में सिर्फ 3 लाख का लॉस था, लेकिन अभी लॉस बढ़कर 4 लाख का होगा, उसके पिछले क्वार्टर कंपनी प्रॉफिट में थी। देखिए कहीं ना कहीं कंपनी का सेल्स जरूर बढ़ा है, लेकिन कंपनी अभी भी प्रॉफिट में नहीं आई। तो जब कंपनी सेल्स बढ़ने के साथ साथ प्रॉफिट में भी आ जाती है, तब काफ़ी मज़ा आएगा इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने में, और जो लोग बने हुए हैं, क्योंकि उसके बाद इस कंपनी का जो शेयर प्राइस बनेंगे भाई साहब रॉकेट बन जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, अभी आप इसमें बने रहे, कायदे से आप होल्ड करके चलिए, जब तक अगले क्वार्टर का रिजल्ट तक इंतजार करें। अगले क्वार्टर में सेल्स भी यदि बढ़ा और कंपनी लॉस से प्रॉफिट में आ जाती है
तो जब कंपनी प्रॉफिट में आ जाएगी तो शेयर प्राइस एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड में देखेंगे, 1 रुपये के ऊपर आगे ठहर जाएगा, उसके बाद शेयर प्राइस में रॉकेट बनने में देरी नहीं लगेगी, वहाँ पर आपको जो करना होगा कर लीजिएगा। अभी के लिए क्या है कि देखिए, अभी MFL इंडिया में आपको इन्वेस्टमेंट करना थोड़ा सा रिस्की हो सकता है, आपको यदि इन्वेस्टमेंट करना भी तो कुछ दिन और रुक जाइए, वेट कर लीजिए, और जब प्राइस 1 रुपये के आसपास आता है वहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर कुछ प्रॉफिट बुकिंग होंगे, कुछ नए लोग एंट्री लेंगे। तो उम्मीद करता हूँ MFL इंडिया के बारे में जो बातें मैंने आपको बताई आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। कोई भी आपके मन में कन्फ्यूजन है, सवाल है, तो कमेंट में जरूर पूछिए, मैं सबके कमेंट कर रिप्लाई देता हूँ। पर्सनली मुझसे जुड़कर बातें करने के लिए आप मुझको इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यदि आपके पास शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए बेस्ट डीमैट अकाउंट नहीं, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप एंजल ऑन या MStock के साथ फ्री डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हैं, जिसका लिंक भी इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।